तो आज की वीडियो में हम पूरी एमएसटी सीईटी को डिटेल में जानने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है 16 जनवरी से इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स में। तो आज की वीडियो हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स लेना चाहिए एडमिशन के लिए, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इस कोर्स के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिकल, आयुष एंड फाइन आर्ट्स। इसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है, एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट अपीयर होता है इस एग्जाम में लगभग 6 लाख के अराउंड, ठीक है। तो अभी जैसे 2024 में ये नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है। और देखो जो आउटसाइड है ना महाराष्ट्र के, वो ये ट्राई करना जेईई मेन भी आपको देना है, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ बहुत ही ज्यादा होते हैं, अब ऐसे में आपके पास अगर ऑप्शन नहीं होगा एमएसटी सीईटी का, भले स्कोर अगर थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जेईई मेन मार्क्स हेल्प कर सकता है। इसीलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जेईई मेन भी होनी चाहिए अगर आप एमएसटी सीईटी दे रहे हो। और कुछ स्टूडेंट होंगे जो शायद WBJEE एग्जाम को भी सोच रहे होंगे देने का, तो हमने उस पे भी एक फुल वीडियो बना दिया है, जाके आप उसे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट में भी लिंक डाल दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो एग्जाम इन 2024 का। अब देखो कौन कौन से कोर्स है, बीई, बीटेक, बीआर, ठीक है, बी प्लानिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सारे कोर्सेज के ऑप्शन होते हैं इस एग्जाम के थ्रू, ठीक है। और हर एक कोर्स के लिए अलग अलग नाम होता है एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, खास करके इंजीनियरिंग के लिए एमएचटी सीईटी वाला होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, ठीक है, खास करके इंजीनियरिंग कोर्स यूजी रिलेटेड कोर्स का देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th 12th, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो अपीयरिंग है इस साल एग्जाम देने वाले हैं वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम को लेके। और आपका 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल रिलेटेड कैंडिडेट हो, और 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, तो फिजिक्स में भी 45, केमिस्ट्री में भी 45, मैथ्स में भी 45 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। वही सिमिलरली अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40-40 मार्क्स होना चाहिए। तो ये गणित आप याद रखना, अगर इससे कम मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल से हो, ठीक है, तो 800 रुपए लगने वाले हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 600 रुपए के अराउंड लगेंगे। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आप वेबसाइट पे चले जाओगे, यहाँ पे मैंने लिंक मेंशन कर दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एकेडमिक ईयर 2024-25 लिंक, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको अपना डिटेल्स वगैरह फिल करना है। ये पर्सनल डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से भरना, ठीक है, इसमें क्योंकि कुछ डिटेल्स ऐसे होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। फिर आपको अपना फोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रूफ के लिए अपलोड करना है, और आपको अपना फीस भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। फिर आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है या फिर सेव करके रख लेना है कहीं भी पीडीएफ फॉर्मेट में। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, तो देखो आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो उसके लिए आपको पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होता है या फिर साइन होता है उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो एक फोटो अच्छा सा बना लो, साइन को भी अच्छा सा बना लो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में। तो सबसे अच्छा बात मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी एग्जाम के, चाहे WBJEE हो गया, जेईई मेंस हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए, तो फोटो का जो फॉर्मेट है वो 50 KB के अराउंड बना के रख लो, ठीक है, और साइन का 20 KB के अराउंड, ठीक है, तो कहीं भी अपलोड कर सकते हो इस फॉर्मेट में। और जैसे कि कोई अगर डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ अपलोड करना है तो उसके लिए मिनिमम 50 से 300 KB के अराउंड रख लो, या फिर 300 नहीं रखना चाहते हो तो 100 KB के अराउंड रख लो, ठीक है, कहीं भी आप अपलोड कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे एक लिंक है मैंने मेंशन कर दिया, इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी चीजें फॉर्मेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे वो पीडीएफ टू फोटो हो, फोटो टू पीडीएफ हो, किसी भी इमेज का साइज रिसाइज करना हो, कंप्रेस करना हो, पीडीएफ को कंप्रेस करना हो, वो सारा ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएगा। अब आती बात इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो डेट्स आ गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 प्लस ऐसे एग्जाम्स हैं कोर्सेज के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब जैसे बीएड वगैरह एमएड वगैरह में हो तो आप देख सकते हो कभी एंट्रेंस एग्जाम का डेट है, हमें तो बस इंजीनियरिंग से मतलब है तो हम देखते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स वाला 16 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 1 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट 16 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक होगा, और मैथ्स वाला होगा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, ठीक है। तो ये एग्जाम डेट याद रखना, बाकी आप अदर कोर्सेज का भी देख सकते हो, डिजाइन का, एमसीए का, ठीक है, आर्किटेक्चर का, एलएलबी का, बीएससी का, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम डेट है, आप सेव करके रख लो। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई, उसको करेक्शन करना है, तो ये मार्च के अराउंड आपका एक डेट आएगा, तब आप करेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड आप प्रोबेबली मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। अब बात है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, ये याद रखना। 11th से आपके 20% के अराउंड वेटेज होते हैं और 12th से 80% के। सिमिलरली केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी भी सिमिलरली। एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू टाइप में होगा, ठीक है, 3 घंटे का टाइम होगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे एक सब्जेक्ट के, तो 50 × 3 150 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, बट अगर मैथ्स वाला आपका पार्ट है तो 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है और करेक्ट भी ज्यादा होना चाहिए। अब कितना मार्क्स लाना है, कितने परसेंटाइल के लिए अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप सिलेबस अगर आपको देखना है 2024 का, तो यहाँ पे एक पीडीएफ मेंशन है, यहाँ से आप डाउनलोड
करके देख सकते हो या बिना डाउनलोड किए भी देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारी वाली पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी सारे लिंक मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट को भी, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट का कैसे क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क्स का कितना टाइम दिया जाएगा। प्रिपरेशन टिप्स देखो, सब एग्जाम के लिए सेम ही टिप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। सेम ही स्ट्रेटेजी बनानी होती है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस वगैरह जानना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना है, पीवाईक्यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो यहाँ पे एक लिंक मेंशन है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बुक कौन सा, देखो बुक आप किसी से भी करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर भी मैंने बुक मेंशन कर दिया है, जैसे कि एस सी वर्मा हो गया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का हरिहंत वाला हो गया, बेस्ट बुक फॉर मैथ्स, ठीक है, आर डी शर्मा वगैरह, ये सारे बुक्स है जहाँ पे आप कर सकते हो। सुना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रैंक वर्सेस मार्क्स। देखो 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये हमारे रिसेंट ईयर स्टैट्स पे बेस्ड है। अगर आपका इतना परसेंटाइल के अराउंड आता है तो आपका रैंक इतना बनेगा, ठीक है। 19,000 के अराउंड, 80 से 89 के अराउंड परसेंटाइल आता है तो 32,000 के आसपास रैंक बन जाएगा। इतना रैंक है तो 41,000 के अराउंड बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप सारे रैंक देख सकते हो। और कितना मार्क्स लाना होगा इतने परसेंटाइल के, जैसे 160 प्लस है तो 99.5 अबव ही बनेगा आपका, 150 से 160 के बीच है तो 99 के अराउंड बनेगा, ठीक है। 100 से 110 के अराउंड है तो 95 से 96 के परसेंटाइल के अराउंड बनेगा। अब इस एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, खास करके बीटेक वगैरह में, ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज में, तो यहाँ पे 62 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अगर इसको पूरे डिटेल में जानना चाहते हो यहाँ पे भी एक लिंक मेंशन है जहाँ पे आप सारे कोर्स का डिटेल वाइज देख सकते हो। सो अब हमारी एग्जाम भी होगी, ठीक है, रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। हर काउंसलिंग में सेम ही रिक्वायर्ड होते हैं, बट एक दो काउंसलिंग में क्या होता है कि कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, कोई गैप ईयर है तो उसका गैप ईयर वगैरह चाहिए, ठीक है। गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसका भी हमने एक शॉर्ट डाला हुआ है, जाके आप शॉर्ट सेक्शन में जाके पॉपुलर शॉर्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा गैप ईयर सर्टिफिकेट वाला शॉर्ट। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, जो सेम फोटो चाहिए जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाले थे, एडमिट कार्ड चाहिए, आपका रिजल्ट कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल हो, रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल हो, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वही सेम 11th का मार्कशीट। ये बेसिकली स्टार्ट होता है 2nd week of June में, ठीक है। तो तब तक आपको एग्जाम के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है। और जो खास करके अदर स्टेट वाले हैं उनको जेई एग्जाम ही देना है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मान के चलो अगर एमएसटी सीईटी स्कोर से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो हो सकता है शायद आपके जेई मेन वाला स्कोर हेल्प कर दे। अब देखो यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट है जो एक्सेप्ट करते हैं इस स्कोर को, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट अनएडेड कॉलेज, मतलब ये पूरी तरह से प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं उसका हम देख लेते हैं, तो देखो इनके कॉलेजेस 6 रीजन में बटे हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे सबसे कम कॉलेज है 14 इंस्टीट्यूट वो संभाजीनगर, जिसे औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद 17 इंस्टीट्यूट है जो नासिक रीजन में आता है, 29 है जो अमरावती रीजन में, 35 इंस्टीट्यूट मुंबई रीजन में, 41 इंस्टीट्यूट नागपुर रीजन में, 56 इंस्टीट्यूट पुणे रीजन में। अब इन रीजन का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, ये जो मुंबई रीजन और पुणे रीजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के कॉलेजेस में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब देखो ये चार सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, वैसे तो बहुत ही सारे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ऐसे टॉप स्टूडेंट की वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे होता है, इसकी एवरेसिटीसी काफी अच्छी है, फिर वीजेटीआई मुंबई, आईसीटी मुंबई, एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा अगर आप और भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो यहाँ पे एक लिंक मेंशन है, आप देख सकते हो कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स मतलब किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब आती है बात कट ऑफ की, ठीक है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ होती है, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। अगर आप एमएसटी सीईटी का चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मेंशन है, ठीक है, इसके बाद थर्ड राउंड सबसे लास्ट राउंड का कट ऑफ मेंशन है। सिमिलरली जेई मेन का कट ऑफ देखना चाहते हो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मेंशन है सारे कॉलेजेस का, और थर्ड राउंड का कट ऑफ मेंशन है, ठीक है, ये खास करके आपको टेक्निकल कोर्स का है। अब कुछ स्टूडेंट के क्या होते हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आते, चाहे वो जेई मेन हो किसी भी एग्जाम हो, ठीक है, जहां से आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या करते हो आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हो खुद के थ्रू, ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट ना मिले, बट अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हो ये खास करके आप लोग के लिए बनाया गया ताकि आपको एक अच्छी स्किल्स मिल सके, एक अच्छी नॉलेज मिल सके जो आपको फ्रीलांसिंग काम वगैरह में, इंटर्नशिप या फिर जॉब वगैरह में हेल्प कर सके एक अच्छी प्रोफाइल बनाने में, ठीक है। तो बेसिकली हम उन स्टूडेंट को कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि चैट जीबीटी का सब्सक्रिप्शन हो गया, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो रेप्लिट जैसे आईडी का, या फिर आप अपने कोर्स से रिलेटेड किसी भी सर्टिफिकेशन कोर्स का एक्सेस चाहते हो लाइक यूडीमी कोर्स पे अवेलेबल, ठीक है, जैसे एनपीटीएल पे अवेलेबल कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह लॉन्च करते हैं आईडीज इंस्टीट्यूट के, तो वो सब के आपको एक्सेस हम दे सकते हैं जो कि आपको एक अच्छी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करेगी, साथ ही आपको नॉलेज और स्किल्स भी मिलेगी। तो खास करके अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और ये चीजें हम अभी कुछ ही कॉलेजेस के लिए लेके आए, ठीक है, सारे कॉलेजेस में आपको देखने नहीं मिलेंगे, तो अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हो तो इस गूगल फॉर्म को फिल कर लो, ठीक है, कॉलेज एडमिशन गाइडेंस, और अपनी एक एक करके सारी डिटेल्स भर देना इस गूगल फॉर्म में, ठीक है, कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, खास करके प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं है क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर आपके पास
पास ये WBG का स्कोर है, कॉमेट के का, JEE Mains का, CUET का, तो काफी बढ़िया है। सो अगर आपने ये वीडियो अभी यहाँ तक देख ली है तो आई थिंक आपकी लगभग सारी डाउट्स क्लियर हो गई होगी MST CET से रिलेटेड, आपका एग्जाम कब होने वाला है, क्या क्या पैटर्न होंगे, ठीक है, कट ऑफ क्या होने वाली है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ तक देख ली वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम कॉमेट के जैसे एग्जाम को भी कवर करेंगे क्योंकि उसका भी रजिस्ट्रेशन जल्दी चालू होने वाला है। साथ ही अगर आपके अंदर कोई डाउट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो। और अगर आपको MST CET फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप टाइमिंग देख लो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आ रही फॉर्म भरने में आप यहाँ से पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।